दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं रियलमी 11 5G मोबाइल। ये मोबाइल जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें मेमोरी के दो ऑप्शन मिलते हैं, 8 GB रैम 128 GB, 8 GB रैम 256 GB, एंड्रॉयड 13 मिलता है। इसमें दो कलर मिल जाते हैं, ग्लोरी ब्लैक और ग्लोरी गोल्ड। अभी हमारे पास 8 GB रैम 256 GB ग्लोरी गोल्ड कलर का रियलमी 11 मोबाइल। मैंने रियलमी 11 प्रो मोबाइल का भी वीडियो बनाया था ब्लैक कलर का, आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, वीडियो का लिंक मैं डिटेल्स में दे दूंगा। तो चलिए से हम इसे अनबॉक्सिंग करेंगे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो करते हैं स्टार्ट। बॉक्स को देख लेते हैं, रियलमी 11 5G साइड से देखिए रियलमी, और ये साइड पे रियलमी 11 5G। बैक साइड पे देखते हैं तो यहाँ पे रियलमी 11 5G, यहाँ पे QR कोड है। 108 MP प्रो लाइट कैमरा मिलता है, 67 वोल्ट फास्ट चार्ज, 5000 mAh का बैटरी, डायनामिक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले, और डायमेंसिटी 6100+, 5G चीपेस्ट। और यहाँ पे देखिए मोबाइल ग्लोरी गोल्ड कलर का है, 8 GB रैम 256 GB। बॉक्स को ओपन करते हैं, सबसे पहले कवर वाला बॉक्स देख लेते हैं। तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स है, क्विक स्टार्ट गाइड, और ये मोबाइल का कवर। मोबाइल को बाहर निकालते हैं, ये मोबाइल है, इसके अंदर देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये 67 वोल्ट का फास्ट चार्जर है, इनपुट पावर है 100 to 240 वोल्ट 50-60 Hz, और आउटपुट पावर है 5 वोल्ट। चार्जिंग के लिए ये टाइप सी केबल है, केबल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, इसे आप डेटा केबल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स को साइड में रखते हैं, मोबाइल को प्लास्टिक इससे बाहर निकाल देते हैं। मोबाइल के ऊपर आप देख सकते हैं ये स्टिकर लगा हुआ है रियलमी का। यहाँ पे रियलमी 11 108 MP का कैमरा है, 67 वोल्ट फास्ट चार्जर है, और डिस्प्ले है अप टू 120 Hz, डायनामिक अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है, डायमेंसिटी 6100+, 5G चीपेस्ट। ये स्टिकर को रिमूव कर देते हैं। 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले हमें इसमें मिलता है, 1080x2400 फिक्चर। सेल्फी कैमरा 60 MP का है। नीचे देखिए यहाँ पे 3.5 mm जैक, माइक है, टाइप सी पॉइंट है, और स्पीकर है। साइड पे पावर ऑन ऑफ का बटन, वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन, और ये साइड पे सिम ट्रे है जिसमें आप SD कार्ड भी डाल सकते हैं। ऊपर और एक माइक मिल जाता है, ये नॉइज कैंसिलेशन माइक है। बैक साइड पे देखिए तो ये प्लास्टिक का बॉडी है। बैक साइड पे 5000 mAh का बैटरी है, नॉन रिमूवेबल बैटरी है, और 108 MP का मेन कैमरा है जिसे वाइड कैमरा भी बोलते हैं, और 2 MP का डेप्थ कैमरा मिलता है विथ LED फ्लैश लाइट के साथ। मोबाइल को ऑन करते हैं, दोस्तों मोबाइल ऑन हो गया। एंड्रॉयड 13 हमें इसमें मिलता है, वाईफाई 802.11 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलता है, NFC हमें इसमें मिल जाता है, रेडियो इसमें नहीं मिलता है, 3.5 mm जैक हमें इसमें मिल जाता है, तो आप इसमें बोया BY-M1 माइक भी कनेक्ट कर सकते हैं। SD कार्ड आप इसमें 256 GB तक डाल सकते हैं। अभी मोबाइल का स्पीड चेक करते हैं। स्पीड चेक करने के लिए सबसे पहले गूगल न्यूज़ में जाते हैं। तो अभी गूगल न्यूज़ ओपन हो गया, आप देख सकते हैं 8 GB रैम के साथ बहुत ही अच्छा स्पीड मिलता है। अभी YouTube में जाके स्पीड चेक करते हैं। मेरी चैनल में जाते हैं कार एंड होम एसेसरीज, तो आप भी ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको मोबाइल अनबॉक्सिंग और घर में यूज़ होने वाली आइटम की बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी। ये जो एयरबड है ड्यूअल माइक एयरबड है, इसमें एक माइक नॉइज कैंसिलेशन का होता है, तो आपका आवाज सामने वाले बहुत ही अच्छा सुनाई देता है। दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं आईटेल E05S 4G मोबाइल। ये मोबाइल 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें दो कलर मिल जाते हैं, मिडो ग्रीन और नेबुला ब्लैक। मेन कैमरा 8 MP का है और सेल्फी कैमरा 5 MP का है। दोस्तों अनबॉक्सिंग करते हैं टेक्नो कॉमन 20 प्रो मोबाइल। ये मोबाइल में 2023 में लॉन्च हुआ था। इसमें तीन कलर मिल जाते हैं ब्लैक। प्ले स्टोर में जाके स्पीड चेक करते हैं तो आप देख सकते हैं प्ले स्टोर का स्पीड बहुत ही अच्छा स्पीड मिलता है। मोबाइल का रैम है 8 GB, तो आप कोई भी बड़ा एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हैं तो ये तुरंत डाउनलोड कर देगा मोबाइल। तो आप मोबाइल लेना चाहते हैं तो 8 GB रैम वाला ले सकते हैं। 12 GB रैम वाला मोबाइल थोड़ा महंगा होता है। 4 GB रैम के मोबाइल होते हैं उसका स्पीड थोड़ा कम होता है, और 2 GB रैम का मोबाइल का तो बात नहीं करें तो अच्छा है। तो आपके लिए बजट मोबाइल है 8 GB रैम वाला। अभी बैक जाते हैं, सेटिंग में जाते हैं, अबाउट डिवाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं रियलमी UI 4.0 ऑफिशियल वर्जन, डिवाइस नेम रियलमी 11 5G, स्टोरेज 256 GB,
मॉडल RM X3780, प्रोसेसर मीडिया टेक डायमेंसिटी 6100+, बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh, और डिस्प्ले का साइज है 6.72 इंच, रैम है 8GB+, 4GB एक्सटेंड करना चाहे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कैमरा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल+ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, एंड्रॉयड वर्जन 13, यहाँ पे वर्जन है, बिल्ड नंबर, बेस बैंड, कर्नल वर्जन, कलर, हार्डवेयर वर्जन, लीगल इंफॉर्मेशन। अभी बैक जाते हैं, कैमरा ऑन करते हैं। कैमरे में आपको नाइट, स्ट्रीट, वीडियो, फोटो, पोर्ट्रेट, 108 मेगापिक्सल। मोर में जाते हैं तो मोर में आपको प्रो, पैनोरामा, मूवी, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, ड्यूअल व्यू वीडियो, टैक्स स्कैनर और टिल्ट शिफ्ट मिल जाता है। अभी कैमरा का रिजल्ट चेक करने के लिए हम गार्डन में जाते हैं। दोस्तों कैमरा का रिजल्ट चेक करने के लिए हम गार्डन में आ गए हैं, तो आप देख सकते हैं रियलमी 11 प्रो मोबाइल से सेल्फी कैमरा से कैमरा का रिजल्ट। सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, और अभी जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो रियलमी 11 मोबाइल से ही आ रही है, मोबाइल का जो माइक है उसी से आ रही है, मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक लगाया नहीं है, तो आप मेरी आवाज़ भी सुन सकते हैं। और सेल्फी कैमरा से देखिए कैमरा का रिजल्ट, तो अभी मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ रिजल्ट कैसा आता है। बैक कैमरा से देखिए कैमरा का रिजल्ट, बैक कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, और अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो मोबाइल का माइक से ही आ रही है। यहाँ पे बहुत सारी हवा भी चल रही है, बहुत तेज़। अभी मैं आपको फुल जूम करके दिखाता हूँ, इसमें टोटल 10x जूम मिलता है। सामने जो बिल्डिंग है वो आप देख सकते हैं, तो एकदम क्लियरिटी आपको मिलता है। इसमें आपको 4K वीडियो शूटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कैमरा का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, 4K से भी बहुत ही अच्छा मिलता है कैमरा का रिजल्ट। अभी जूम आउट हो गया है, तो आप देख सकते हैं कैमरा का रिजल्ट। दोस्तों सामने और एक बिल्डिंग है, इसे मैं आपको फुल जूम करके दिखाता हूँ, तो धीरे धीरे मैं जूम कर रहा हूँ। अभी फुल जूम हो गया है, टोटल 10x जूम हो गया है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग का जो टेरेस है वो एकदम क्लियर नज़र आता है। अभी धीरे धीरे मैं जूम आउट करता हूँ, अभी जूम आउट हो गया है। वीडियो में आपने देखा रियलमी 11 5G मोबाइल का रिव्यू। आप कोई बजट मोबाइल लेना चाहते हैं जो कि 20,000 का अंदर आ जाए, जिसमें आपको 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाए और 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाए, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है रियलमी 11 5G मोबाइल। बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो 8GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज का प्राइस है 17,000 इंडिया में, और 8GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज का मोबाइल का प्राइस है 19,000। तो सिर्फ 2,000 रुपये ज़्यादा जाएंगे, लेकिन आपको 256GB इंटरनल स्टोरेज वाला मोबाइल मिल जाएगा। तो आप ये मोबाइल लेना चाहते हैं, आपका मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने का समय आ गया, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।